अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नूर फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं शामी कबाब। तो मैं ये ईद के लिए तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं रेसिपी। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले चने की दाल है, उसको मैं मैयर कर लूँगी। चने की दाल हमें 600 ग्राम चाहिए। अब मैं अच्छी तरह से इसको साफ़ करूँगी, वॉश करूँगी। अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसको पानी में भिगो दिया है। दो प्याज चाहिए होंगे और दो बंच लहसुन के। अब हम शामी कबाब को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पैन में पानी ले लिया है। हमने इतना पानी लेना है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। तो अब मैं इसमें चने की दाल डाल दूंगी, जिसको मैंने भिगो दिया था। मैंने थोड़ी देर ही भिगोया था, आप चाहें तो 1-2 घंटे इसको भिगो सकते हैं। अब मैं इसमें 1.5 kg चिकन डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ। अगर आपको कम क्वांटिटी में रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स उधर लिख दूंगी और रिटन रेसिपी भी। अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया है, साथ ही मैंने जो प्याज और लहसुन था उनको कट कर लिया था, इस तरह वो भी डाल दिया। अब मैं इसमें 3 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 10 लौंग, 1 टुकड़ा सिनेमन स्टिक का और 20 साबुत लाल मिर्ची डाल दूंगी। इसमें मैंने साबुत लाल मिर्ची को वॉश करके डाला है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल दूंगी। हम इसको कम ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें साबुत लाल मिर्ची डाली हैं। आप अपने हिसाब से मिर्चें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ। 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, आप साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इसमें कचरी पाउडर डालूँगी, 1/2 टीस्पून जितना मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे चीज़ें जल्दी गल जाती हैं। अब मैं इसमें एक साबुत काली मिर्ची डाल रही हूँ, 20। टू टेबलस्पून मैं इसमें साबुत ज़ीरा डालूंगी, अगर आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं 2 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा डाल दूंगी। आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना बहुत लिक्विड भी हो सकता है और आपको देर लगेगी इसको ड्राई करने में। जैसे ये पकना शुरू होगा तो इस तरह से झाग आ जाएगी, आपने इसको निकाल। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएँ। देखें, अच्छी तरह से ये रेडी हो गया है, सारी चीज़ें गल गई हैं और पानी भी ड्राई हो गया है। और मैंने इसमें से जो साबुत मसाले थे वो निकाल लिए थे, जैसे कि लौंग और बड़ी इलायची। शामी कबाब के मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा करूंगी और मैं इसमें 6-7 टेबलस्पून दही डालूंगी और अच्छी तरह से इसको पीस लूँगी। और मैंने इसके लिए 5 हरी मिर्चें और 2 प्याज लिए हैं, इनको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। देखिए, मिक्सचर को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है दही डालकर। अगर आपका मिक्सचर आपको लगे कि पिस नहीं रहा, ड्राई है, तो आप उसमें दही और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें चॉप की हुई प्याज, हरी मिर्ची और 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक और डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मिक्सचर में हमें 6 अंडे डालने हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और इसमें हरा धनिया डाल, अंडे डालकर अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। और ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से मिक्सचर होना चाहिए, ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये देखें, अब मैं इसके एक शामी कबाब बना लूँगी। जब हम इसमें दही डालते हैं तो दही डालने से शामी कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं, ड्राई बिल्कुल भी नहीं बनते। अब इस तरह से सारे शामी कबाब मैं बना लूँगी। देखिए, मैंने सारे शामी कबाब बना लिए हैं, इससे भी ज़्यादा क्वान्टिटी बनी है। अब हम इसको फ्रीज़ करेंगे। शामी कबाब बनाकर मैंने उनको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये देखें, नेक्स्ट डे ये बिल्कुल हार्ड हो गए थे, तो मैंने इनको बॉक्स में डालकर फ्रीज़ कर लिया। अब हम शामी कबाब फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको लो फ्लेम पर पकाएंगे, फिर हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ किया हुआ था तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। शामी कबाब रेडी हैं, आप ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।